Assalamu alaikum, dear students and my dear viewers. I am Tanveer Ahmed Mir, teacher at BHSS Hatmullah Kupwara. This topic pertains to the students of class 12th subject education, and our topic is population explosion. And dear students, what is the meaning of population explosion? Population explosion is excessive rise or rapid rate of growth in the population. According to Webster's dictionary, population explosion is a pyramid of numbers of biological population as a number of people in a pyramid increases, so do the problem related to the increased population. Population explosion is due to high birth rate and low death rate, that is increase in birth rate and decrease in death rate. Dear students, population explosion जो है ये excessive rate और rapid rate of growth in population है. Population explosion means जब बहुत तेजी के साथ आबादी बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत तेजी के साथ बच्चे पैदा हो जाएंगे किसी मुल्क में. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी जो है उनकी व्यू क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ पैरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन. इट इज क्या उनकी क्या व्यू है, population explosion is a pyramid of numbers of biological population. So it means pyramid of numbers of biological population means pyramid of number gives account of number of individuals. The pyramid of numbers means count of number of individuals in ecosystem. तो एक ecosystem एक ये हमें individuals की तादाद बताता है. Pyramid of numbers जो है it means एक individual या आबादी ये हमें count करके देती है, एक किस्म की census ये करता है, ये आबादी गिन के मतलब हमें देता है. Pyramid of numbers means count of number of individuals in an ecosystem. कितने एक इकोसिस्टम में कितने एक इकोसिस्टम में लोगों की क्या तादाद है, एक इकोसिस्टम में लोगों की क्या तादाद है. एज अ नंबर ऑफ पीपल इन अ पैरामिड इंक्रीज, जब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होते हैं, लोगों की तादाद जब इंक्रीज होते हैं, सो डू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. तो इसी जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जब लोग बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब लोग बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं. प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों की तादाद जब बढ़ जाती है तो उनकी ज़रूरियात बढ़ जाती है. मकानों की उनका असर सीधा इकोसिस्टम पर पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ता है. मतलब उनको लैंड की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको खाने पीने की हवा की ज़्यादा ज़रूरत है, लकड़ी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो हर चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आबादी बढ़ती है. तो जब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने पड़ते हैं, इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ख़राब होते हैं, ख़राब होने शुरू होते हैं. तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है. हमारे एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है, तो उस पर बुरा असर पड़ता है.
that is the meaning of population explosion. Population explosion means so population explosion is due to high birth rate. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये इसलिए है ड्यू टू हाई बर्थ रेट. हाई बर्थ रेट मतलब को हाई बर्थ रेट का मतलब है कि ज़्यादा ज़्यादा बर्थ रेट. बर्थ रेट मीन्स बच्चों की तादाद ज़्यादा, बच्चों की पैदाइश यानी बच्चे पैदा, ज़्यादा बच्चे पैदा होना मीन्स हाई बर्थ रेट. एंड लो डेथ रेट, लो डेथ रेट मीन्स मोर्टलिटी रेट यानी कि डेथ रेट यानी कि आप मरने की तादाद जो है वो कम है बनस्बते पैदा होने की तादाद में. दैट इज आई दैट मीन्स इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन डेथ रेट. तो द रैपिड rate of growth of population is called population explosion. The rapid rate of growth of population, तेजी के साथ जब growth of population बढ़ती है, जब तेजी के साथ population बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, लोग बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं तेजी के साथ, तो उसको बोलते हैं population explosion. Simple meaning जो है इस population explosion की, the rapid rate of growth of population is population explosion. Rapid means तेजी के साथ, तेजी. तो जब तेजी के साथ आबादी बढ़ती है या यानी कि बच्चे पैदा होते हैं तो उसको population explosion कहते हैं. India has become passing through the stage of population explosion. India जो है हमारा मुल्क, ये स्टेज में इस वक्त गुजर रहा है, यहाँ पर population explosion चल रही है. Where its population has become has been increasing at very high speed since independence. आज़ादी, तकरीबन आज़ादी से यहाँ हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी के साथ आबादी बढ़ती जा रही है. Since 1901, the size of Indian population has become more than five times. 1901 से लेकर आज तक population जो है वो five times बढ़ गई है, पांच गुना बढ़ गई है. From 23.6 करोर्स इन 1901 में यहाँ पे आबादी जो थी हिंदुस्तान में वो थी 23.6 करोर टू 121 करोर इन 2011 में जो हमारे मुल्क की आबादी जो थी वो थी 1.21 करोर. If both the birth rate and death rate in India maintains the same level, the population of India will double itself in next 30 years. कहा जाता है कि माहिरों की राय है कि अगर इसी हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी जो है वो बढ़ती गई और डेथ रेट इसी हिसाब से कम होती गई, आबादी बढ़ती गई, तो इन नेक्स्ट 30 years में हिंदुस्तान की आबादी जो होगी वो डबल होगी. डबल मीन्स अगर आज 1.21, अगर 2011 में 1.21 करोड़ थी तो ये नेक्स्ट 30 इयर्स में दैट इज इन 2040 अराउंड 2040 में हिंदुस्तान की आबादी जो होगी वो 2.42 करोड़ होगी. दैट इज मतलब बहुत ज़्यादा होगी. ये table shows growth of population in India in crores. Table shows the growth of population in India in crores. ये जो table यहाँ पे बनाया गया, इससे आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में आबादी कब, क्या, कब, कितनी आबादी थी और कितनी बढ़ती जा रही है, किस हिसाब से बढ़ती जा रही है. ऊपर लिखे गए हियर और नीचे population है, population in crores. 1901 यानी 1901 में जो हिंदुस्तान की आबादी जो थी वो थी 23.6 करोड़. 23.6 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी थी 1901 में. और 1941 में जो हिंदुस्तान की आबादी थी वो थी 31.9 करोड़. और 1951 में जो आबादी थी हिंदुस्तान की वो थी 36.1 करोड़. और फिर 1961 में जो यानी 1961 में हिंदुस्तान की आबादी जो थी वो थी 43.9 करोड़. देन इन 1971 the population of India
was 54.8 crore, and then in 1981 the population was 68.3 crore, and in 1991 the population of India was 84.6 crore. Then in 2001 it was 102.91 crore. Then in 2011 means lost census जब हुई है तो population of India जो थी वो थी 121.02 crore. तो from the point of view of population of China, India occupies the second place in the world. तो इस population के हिसाब से हिंदुस्तान जो है ये दूसरे नंबर पर है after China. China के बाद हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है population के हिसाब से पूरी दुनिया में. And from the point of view of area, area के हिसाब से हर place is seventh. इंडिया की प्लेस जो है वो सेवन्थ पोजीशन पे है. पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, पहला चाइना है. और एरिया के हिसाब से यानी कि ज़मीन के हिसाब से इंसान में जो ज़मीन जो है वो उस हिसाब से इंडिया जो है वो दुनिया में सातवें नंबर पे है. और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे है. ऑन 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया एंड विथ 1.5% ऑफ वर्ल्ड्स इकॉनमी. इंडिया इज मेंटेनिंग 1.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. तो हिंदुस्तान जो है वो एक 1.5% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन मेंटेन कर रही है. इट इज इविडेंट फ्रॉम दैट देयर इज एक्सेसिव बर्डन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. तो इससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में काफ़ी बर्डन है, काफ़ी बोझ है पॉपुलेशन के हिसाब से. मींस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उस हिसाब से. सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. आवर कंट्री हैज़ 15.6% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हिंदुस्तान में. तो अगर हम एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में 15.6% जो है वो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है. तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है उस हिसाब से हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 15.6% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान की है. एंड 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड. तो लैंड के हिसाब से जो लैंड जो पूरा इंडिया में है जो सातवें नंबर पर है तो वो पूरी दुनिया में 2.4% है. और आबादी 15.6. तो आबादी बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है उस हिसाब से. वन आउट ऑफ एवरी 7% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन. अगर हम एवरेज करेंगे जो पूरी दुनिया में जो आबादी है उस हिसाब से अगर हम 7 शख्स लेंगे आउट ऑफ 7% वन इज इंडिया. तो आउट ऑफ 7% वन इज इंडियन. एज मनी एज 2.1 करोर आर बॉर्न एंड 80 लाख डाइज एवरी ईयर लिविंग ए नेट एडिशन ऑफ 1.3 करोर पर year in India, which is more than the total population of Australia. अगर हम एवरेज के हिसाब से देखेंगे 2.1 करोर जो है हर साल यहाँ पे पैदा होते हैं और उनमें से 2.1 करोर बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में और उनमें से 80 लाख जो है वो मर जाते हैं. जो जिसका जिसका एवरेज है 1.3 करोर पर ईयर इंडिया में लोग पैदा होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी से बहुत ज़्यादा है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि हिंदुस्तान में कितनी आबादी और कितनी तेज़ी के साथ आबादी बढ़ती जा रही है. पॉपुलेशन ग्रोथ, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज़ 2.5% पर एनम, विच इज़ लार्जर दैन वट इट इज़ मोस्ट ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दैट इज 2.5% पर एनम, तो जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है. अबाउट 43% ऑफ इंडियन टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड हेंस प्रपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज वेरी हाई. तो अगर हम एवरेज देखेंगे तो 43% जो पॉपुलेशन जो है वो चिल्ड्रंस की है. हिंदुस्तान में 43% पॉपुलेशन चिल्ड्रंस की है और कुछ परसेंट ऐसे भी होगी जो 65 एबो है यानी कि बूढ़े, जो हम एडल्ट्स कहते हैं बूढ़े, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. बच्चे भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं और बूढ़े भी. तो ये इससे ये क्लियर होता है कि हिंदुस्तान में जो आबादी है वो ज़्यादा
आबादी डिपेंडेंट आबादी है। डिपेंडेंट आबादी है मीन्स वो आबादी जो कमा नहीं सकते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इट मीन्स जो यहाँ पर अर्निंग हैंड्स है उनको काफ़ी डिपेंडेंट्स बियर करने पड़ते हैं, काफ़ी डिपेंडेंट्स पालने पड़ते हैं, जिसकी जो एक वजह है पॉवर्टी की वजह है, पॉवर्टी की एक वजह हिंदुस्तान में है। एट प्रेजेंट द पर कैपिटा इनकम पर ईयर इज ₹675, विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया इज वेरी लो। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इफ वी कंटिन्यू टू एड 1.3 करोड़ ऑफ आवर पॉपुलेशन एवरी ईयर वी वुड रिक्वायर एन एडिशनल, क्या क्या यही कहा जाता है कि अगर हम ऐसी इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जाए, अगर बढ़ती गई हिंसान में, यानी कि 1.3 करोड़ पर ईयर अगर हम हिंसान में, अगर यहाँ पर हिंसान में पर ईयर 1.3 करोड़ आबादी बढ़ती गई, तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत, एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 करोड़ मीटर्स ऑफ क्लोथ्स पर ईयर, तो 2 करोड़ क्लोथ्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी पर ईयर। 1.3 करोड़ क्विंटल ऑफ फूड ग्रेन्स एवरी ईयर, तो 1.3 करोड़ क्विंटल ऑफ फूड ग्रेन्स हमें ज़रूरत पड़ेगी हर साल। 26 लेक्स मोर हाउसेस पर ईयर, 1.3 लेक मोर स्कूल्स पर ईयर, 3.8 लेक टीचर्स पर ईयर, 45 लेक एडिशनल जॉब्स पर ईयर। दीज रिसोर्सेज आर सो वास्ट दैट अवर नेशन के नॉट अफोर्ड टू मीट, तो ये रिसोर्स इतने बड़े हैं कि हमारा मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये डिमांड जो है, ग्रोइंग डिमांड ऑफ द करोर्स ऑफ पीपल, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि करोर्स ऑफ पीपल जो की डिमांड होगी, ये हमारा मुल्क एफोर्ड नहीं कर पाएगा। हैंस एंड इमीडिएट चेक ऑन द इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बिकम अनइवेंटेबल, तो इसलिए इससे ये पता चलता है कि हमें पॉपुलेशन को चेक करने की ज़बरदस्त ज़रूरत है, वरना एक टाइम ऐसा आएगा तो इंसान में ना जगह मिलेगी, ना खाने का कुछ मिलेगा, बहुत गरीबी यहाँ पे पैदा हो जाएगी। शुक्रिया।